सो टिम हॉर्टन्स पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी एज एक्सपेक्टेड। पहले दिन पूरा चंडीगढ़ टिम हॉर्टन्स की कॉफी पीने ऑलमोस्ट पहुंच गया। वेल आई थिंक माय एक्सपीरियंस वाज ओके यू नो, मतलब इट्स व्हाट नाइट, इट्स वाज नॉट लाइक जैसे मैंने सोचा था। जस्ट द स्टेटस सिंबल गाइस, मॉक करने गए थे क्या टिम हॉर्टन्स को? ये रिव्यू देने गए यार, जब नहीं अच्छा था नहीं अच्छा। तो अब तक किस किस ने अपडेट कर दिया है टिम हॉर्टन्स को अपने अपने स्नैपचैट पे? आई थिंक सभी ने कर दिया है, बट अगर अभी तक आप नहीं गए हैं चंडीगढ़ के टिम हॉर्टन्स में तो प्लीज वेट करो, ये पूरी वीडियो देखो एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको जाना चाहिए भी कि नहीं। सो टिम हॉर्टन्स पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी एज एक्सपेक्टेड। पहले दिन पूरा चंडीगढ़ टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीने ऑलमोस्ट पहुंच गया एंड बट आई वेटेड देयर पेशेंटली एज एवरीवन एल्स वाज। धीरे धीरे वेट करते हम अंदर पहुंच गए जी आया नू टिम हॉर्टन्स की तरफ से। यस यू कैन क्लियरली सी कि मेरी शक्ल से कि मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि इस लंबे चौड़े मेन्यू में से मैं ऑर्डर क्या करूँ, क्योंकि ऑफकोर्स दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन टिम हॉर्टन्स। I asked the guy कि आपके best क्या हैं, what are your signature dishes and signature drinks? तो उन्होंने बोला कि जी Timbits हमारे यहाँ बहुत famous हैं, आप वो try कर सकते हो। And then he said कि हमारी कुछ drinks हैं, frozen French vanilla, if that's the name, वो और एक Java trip वाली drink थी, वो दोनों उन्होंने कहा कि आप try कर सकते हो। So I tried both of them। और खाने में उन्होंने बोला कि melts हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं, बहुत बिकने वाली hot sale item है, तो मैंने mushroom cheese melt करके कुछ लिया था। Mad rush, mad crowd। तो इस बीपर का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, इसका जस्ट ये मतलब है कि जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा देन इट विल जस्ट वाइब्रेट ताकि आपको पता लग जाए, विच इज़ नाइस। एंड हियर इट वॉज, ये देख लो मशरूम मेल्ट पड़े हैं, साथ में वो जो तीन छोटे छोटे से टिम्बिट्स पड़े हैं और ड्रिंक्स, और ये वाली प्लेट में जो टिम्बिट्स पड़े थे ना बड़े अनएपेटाइजिंग लग रहे थे, कच्चे आलू टाइप। ओके ले लिया हमने ऑर्डर और अब हम चले बाहर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रिव्यू ऑफ टिम हॉर्टन्स। हाय गाइस, गाइज थोड़ा सा मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है, तो मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं ना बता सकती कि अच्छा नहीं है, मतलब पता नहीं। ओके सो गाइज, टिम हॉर्टन से दो ड्रिंक्स लिए हमने और कुछ खाने के लिए भी लिया है, और टिम हॉर्टन्स के बहुत ही फेमस आलू बुखारे भी लिए हमने, विच इज कॉल्ड टिम्बिट्स। लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट फटाफट। दिस कॉल्ड जावा चिप समथिंग समथिंग। Yeah, buddy. I will taste this one, which is frozen French vanilla. Okay. ये जम गई, आई नहीं रही। My choice. बहुत मीठे हैं इनके ड्रिंक्स, पता नहीं क्यों। This is much better. Ritika, come here. I want you to test Timbits. Come, come. Nom, 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 nom. It actually contains egg. वाह क्या बात बताई है, वाह क्या बात बताई है। It's like, it is tasting like eggs. मतलब जैसे normally अगर हम egg वाला cake खाते हैं, तो हाँ। जैसे कई कई लोग मेरे जैसे होते हैं ना जो झूठ बोल के भी खा ले, मतलब इतना नहीं करते क्योंकि नहीं पता लग रहा तो नहीं होगा ना केक में एग, हाँ, पर इसमें पता लग रहा है, लग रहा है और कई नहीं है। हम टिम हॉर्टन्स के बाहर ही बैठे हैं, जूते पड़ गए हमें। जस्ट अ मफिन कोटेड विद शुगर सिरप एंड ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट का ड्राई लेयर है। इसका एक और वेरिएंट है, वो भी तुम ट्राई करना चाहोगी? Just a bun with a coated syrup, sugar syrup. That's it. Wait, guys, इधर
कैमरा इधर आओ, पास में आओ. गाइस लुक एट दिस आलू बुखारा, विच इज पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे आलू आधा बॉयल ही होता है. जब मम्मी घर आलू के परांठे बनाती है ना, तो इतना कि आलू बॉयल होता है फिर मम्मी मैच कर देती है. वन मतलब फ्राइड आलू, टू थ्री फ्राइड आलू, चॉकलेट. लो ये खाओ, दिस इज दूसरा फ्लेवर ना, अपनी तरफ करो. दिस इज नाइस, बेटर देन दैट. ओके, फिल्ड विद चॉकलेट फिलिंग है अंदर और बाहर से इट्स जस्ट अ बन. मतलब ठीक है, टिम्बिट्स नाम से जैसे बिट्स टिम्बिट्स, इट्स दैट ओनली. टिम 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 टिम. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मशरूम चीज मेल्ट्स एंड आई होप इट मेल्ट्स इन माय माउथ. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. If disappointment had a face, very average. I don't want to say anything. वो Tim Hortons वालों की जगह पे बैठी हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती. इनका ये सारा धंधा चौपट हो सकता है. दिस इज लाइक एनी रेगुलर सैंडविच दैट यू गेट इन एनी रेगुलर शॉप. आई स्वेयर ऑन गॉड. हमने उनको ऑर्डर करने लगे बोला था कि यू हैव टू गिव अस योर सिग्नेचर बेस्ट, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो ड्रिंक्स में हो, चाहे वो टिम्बिट्स हो, लाइक योर सिग्नेचर ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग फूड. बट द स्टाफ वॉज नाइस, क्योंकि आज पहला दिन है. बट दिस इज वेरी बेसिक, इवन द बोथ द सिग्नेचर ड्रिंक्स वेरी वेरी मीठी, वेरी बेसिक, वेरी वेरी स्टारबक्स ही. आई मीन स्टारबक्स पर भी इतने पैसों का इतना ही सामान मिलता है गाइज. How was your coffee or how was your experience in Tim Hortons? Well, I think my experience was okay. You know, matlab it's what night. It was not like jaise maine socha tha. Yeah, it was not bad at all, but it was not up to the mark for me. I think it's the same like Starbucks. Yeah. Aapne apni kaun si Java chip? Java chip. And here is maple. Which one? Maple. अच्छा, ओवरऑल गाइज हमारा रिव्यू सम अप यही है कि क्वांटिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक है. क्वांटिटी इज गुड, लाइक 7 out of 10, बट द टेस्ट एंड द अदर थिंग्स इज very basic, just like any other like Starbucks, just Saira said, and the other koi bhi I said it wanna be a card what basic hai. Ab unka review sun ke mujhe aur bhi assure ho gaya ki yes humne sahi bola, like exactly kuch bhi different nahi, just the status symbol guys. तो अगर आपको इस लाल कप के साथ फोटो खिंचवानी है तो आप यहाँ जरूर आए और छोटे वाला ले लो कॉफी और मस्त फोटो करा के घर जाओ. पता भी नहीं हो रही है यार, ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि अब ये पी भी नहीं जा रही है. गाइज अपडेट, हम टिम हॉर्टन्स के बाद कहीं और आ गए थे और अब तक ये खाली होने का नाम नहीं ले रहे. ये इतनी ज़्यादा बड़ी है, कभी भी लार्ज मत लेना. लाइक इफ़ यू आर, अगर आपका एपेटाइट इतना ज़्यादा भुखड़ों वाला नहीं है तो ये नहीं खत्म. हाँ, क्योंकि हम लंच करके आए थे. हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी नहीं होगा. फिर भी कॉफ़ी तो मैं पी ही लेती हूँ एनी विच वेज, पर ये बहुत ही बड़ी है.
और बहुत मीठा है. पॉइंट इज दैट इज अ पॉइंट, इसीलिए नहीं पी जा रही है. कम को मीठा होता है बंदा पी. वहाँ पे मॉक करने गए थे टिम हॉर्टन्स को, ये रिव्यू देने गए यार. जब नहीं अच्छा था नहीं अच्छा. जब अगर लोगों ने ऐसी गाली निकाली ना जो टिम हॉर्टन लवर्स होंगे. कोई टिम हॉर्टन लवर नहीं है इंडिया में, किसने भी किया पहले. और वो जो कनाडा में बैठ के वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे उधर कुछ और मिल रहा है. ओके नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर शॉपिंग. खत्म. बाय बाय. टाटा. गुड बाय. गया.